और आज मीट द मीडिया पर्सनालिटी में हमारे साथ है बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दूरदर्शन से करी और अब वे मीडिया जगत के जाने माने चेहरों में से एक है। हम बात कर रहे हैं मनोज रघुवंशी जी। वेलकम सर, वेलकम टू आवर मेंस कैंपस। मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आपने 1978 में जर्नलिज्म में कदम रखा, अब 39 ईयर्स हो चुके हैं, आपको तब के जर्नलिज्म और अब के जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस दिखता है, क्या अंतर दिखता है? बहुत बड़ा फर्क ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आपकी जनरेशन को ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिला हुआ है कि आप चाहें तो इससे पहले कि आप किसी चैनल में जाएं, किसी अखबार में जाएं, लिखना शुरू करें, रेडियो पे बोलें, टेलीविजन पे बोलें, आप यूट्यूब पे अपने चैनल्स अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकती हैं, मतलब वो जो आप अपलोड करेंगी उसको आप अपनी शो रील के तौर पे जिस चैनल में जाएं वहाँ पे एडिटर को दिखा सकती हैं कि देखिए मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ, इतना अच्छा एडिट करके इतना अच्छा पीछे स्टोरी कर सकती हूँ। ये आपकी जनरेशन को बहुत बड़ा है। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, आपने क्राइम रिपोर्टिंग करी, आपने टेलीविजन में करी, कश्मीर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उस पर रिपोर्टिंग करी, पॉलिटिक्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट बीट्स पे आपने करी, आपकी फेवरेट बीट कौन सी है जिसपे आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है? एक्चुअली दो तीन है, मतलब एक से एक निकालना मुझे हेल्थ स्टोरीज करना बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है आपकी, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है जो कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वो जरूरी होती है, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो इसके लिए वो जरूरी होते हैं, हम मर ना जाए, हमारी हमारी जान बच जाए, इसके लिए वो जरूरी होती है, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। लेकिन टेररिज्म भी वही है, टेररिज्म में भी हमारी जान न चली जाए, वो आतंकवादी जो हमको जान से मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, उसके मन में क्या है, हम उसको समझें बजाय इसके कि हम उसको छुपाएं, हम अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स को, अपने लिसनर्स को, अपने रीडर्स को बताएं ताकि वो जाने, मतलब देखिए जब तक बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी उसका इलाज नहीं हो सकता। तो जैसे एक बीमारी है जिसको हम हेल्थ स्टोरी के तौर पर कवर करते हैं, जैसे एक बीमारी है जिसको आप क्राइम कह सकते हैं, जिसको हम क्राइम स्टोरी के तौर पर कवर करते हैं, जैसे रायन इंटरनेशनल स्कूल में वो गुरुग्राम में बच्चे का मर्डर हो गया, कंडक्टर अशोक ने शायद किया, उसकी उसका इन्वेस्टिगेशन हो गया, बिल्कुल करीब करीब कंप्लीट हो गया, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अब जब स्टोरी आई तो समझ में आया, उसकी पुलिस को खुलासा किया तो समझ में आया कि वास्तव में वो क्या कर रहा था अंदर और उसका क्या उस समय उसके मन में क्या चल रहा था, क्या टेंटेशन था। तो वो एक बीमारी है जिससे कि हम, मतलब उस बीमारी को बहुत सारे लोग देखेंगे, जब देखेंगे तो उनको भी उस स्थिति में, हो सकता है कोई उसमें से जो देख रहा हो वो भी उस स्थिति में पहुंचने की हालत में हो, लेकिन देख चुका होगा कि इसका ये नतीजा निकलने वाला है, तो उस स्थिति में जाते जाते सहम जाएगा, बच जाएगा, तो एक तरह से जो हो सकता है गुनाहगार बनने वाला है हमने उसको भी बचा लिया। वही एक उतना ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी ताकत ही नहीं, तो हम केवल नॉलेज ही, इंफॉर्मेशन ही दे सकते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो लोगों को हमने सही तरीके से देगी, उन्होंने ग्रहण कर ली, तो कुछ भी लाभ हो सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम मीडिया चैनल्स देखते हैं तो जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो लेवल है लैंग्वेज का गिर रहा है, न्यूज भी नॉइज बन रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडी सर्कस वगैरह चल रहा है, तो आप क्या विचार है इसके? जो ये भाषा में गिरावट आनी शुरू हुई, ये पहले एक अखबार से आनी शुरू हुई, उसने इस तरह की बात लिखनी शुरू की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बेकार में, मतलब क्या फ़ायदा किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करें, लेकिन एक अखबार था जिसने कि वो पंगा ले रहा है, इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी शुरू की पर्टिकुलरली। अब उसके बाद चैनल्स ने देखा तो चैनल्स ने भी, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, देखिए एक हसीना, तो अब हसीना जैसे वर्ड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, फिर क्योंकि रोक टोक नहीं हुई, मतलब एक तो होता ना कि आपके बड़े आपको रोक देते हैं कि ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करो, जब बड़े ही प्रोत्साहित कर रहे हैं तो फिर बच्चे उस दिशा में गलती से चले जाएं, ये संभव नहीं जा सकते हैं। एक बच्चे की कहानी थी कि उसको जेल हो गई चोरी करने के लिए, जब उसकी माँ मिलने गई तो उसने कहा कि माँ जरा नजदीक आओ, मैं तुमसे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ नजदीक गई, उसने कान काटा है, उसे पूछा गया कि कान क्यों काटा है,
उसने कहा अगर इसने मुझे पहले रोक दिया होता, जब मैंने पहली चोरी की थी, मेरी पीठ ना थपथपाई होती बल्कि मुझे रोक दिया होता, तो आज ये नौबत ना आती कि मुझे इतनी लंबी जेल हो गई। तो हमारे जो आज के पत्रकार बच्चे जो ये गलती कर रहे हैं, वो मैं उनको अपना दोष नहीं दूंगा, मैं दोष ज्यादा सीनियर्स को दूंगा कि वो उनको उस गलती तो करिए, दूसरे उनको गलती करने के लिए और प्रोत्साहित कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, करो करो। तो वो भाषा बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और हम और बढ़ावा दे रहे हैं बड़े। सर आपने कश्मीर के ऊपर स्टोरी की थी, तो जर्नलिस्ट की लाइफ हमेशा डेंजर में रहती है, तो हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तो हम आप राइट जी कैसे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए, मेंटली प्रिपेयर हुए कि हाँ ये खतरा है, हमें जाना है, हमने करके दिखाना है। आप जैसे जैसे काम करती जाइएगा ना, वैसे वैसे हिम्मत भी बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे पहले पहले जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसको पहले पहले वो दंगाती बॉल डराती है, फिर जब वो खेलने लगता है तो उसको लगता है हाँ मैंने शॉट खेल लिया, फिर और खेल लिया, फिर उसका धड़का खुल जाता है। मेरा बेटा है, जब वो छोटा था और हम लोग हमारी खेती है उत्तराखंड में जगह, जब वो छोटा था तो वो एक हमारे वहाँ पे फार्म पे एक जगह को गेहूँ के ऊपर कूदा और गेहूँ के ऊपर से ही गेहूँ के ऊपर कूदा, गिरने का चोट लगने का खतरा नहीं था, हमने भी कूदने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वो कूदा तो उसको कूदना आ गया, कूदने का डर नहीं लग गया, धड़का खुल गया। जब उसने तैरना सीखा तो उसके बाद डाइव मारना सीखा, तो पहली बार डाइव मारने में डर लगा, उसके बाद जब डाइव मार ली और फिर तैर के बाहर आ गया तो उसको लगा कि मैं कर सकता हूँ, धड़का खुल गया। तो उसके बाद वो इतना अच्छा सुबह बन गए मछली की तरह रहता है एकदम। तो धड़का खुलने की बात है, आप जब पहली स्टोरी करिएगा तो आपका दिल धड़केगा, उसके बाद 3, 4, 5, 10, 15 स्टोरीज कर लीजिएगा तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा कि उतना डरने की बात नहीं है। अगर होगी तो हमारे बहुत सारे पत्रकार मार लिए गए होते, अगर नहीं मारे गए हैं तो खतरा थियोरेटिकली तो है लेकिन रियलिटी में वो खतरा उतना नहीं है जितना कि हम खुद सोच के बैठ जाते हैं और डर जाते हैं। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, हम जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनकी थिंकिंग ये है कि एंकरिंग जर्नलिज्म एक बहुत ग्लैमरस लाइफ है, कैमरा के आगे हम बात कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही है हमारी, तो ये सीरियसली एक ग्लैमरस लाइफ है या एक चैलेंजिंग लाइफ है? दोनों है, क्योंकि ग्लैमरस ऐसे है कि आप बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खा रही हैं और लोग आके आपको पहचाने और अपने घर वालों से परिचय करवाए, एक कोई बूढ़ी औरत आपके सर पे हाथ रख दे कि बेटे आपने जो काम किया बहुत अच्छा लगा, आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी। लोगों का पहचानना, उनका आशीर्वाद देना, दुआ देना, प्यार करना, वो एक तरह से आपको ग्लैमर वाली खुशी भी देता है और एक थोड़ा सा इज्जत भी बढ़ जाती है समाज में, थोड़ा पावर शोहरत वो ठीक है, बात सही है। लेकिन चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि वो उस मुकाम, मतलब ये तो हम लोग कैमरा के ऊपर जो चीज़ चली जा रही है उसको देख रहे हैं और उसके बाद का नतीजा देख रहे हैं जिसको हम ग्लैमर कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो चाहे सरयू भार्गव हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, वो स्क्रीन में दिखने से पहले जो पसीना बहाना पड़ता है वो तो सरयू भार्गव और अमिताभ बच्चन ही जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, और इस इंटरव्यू को हम यहीं खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए निकाला, थैंक यू।